हेलो दोस्तों, प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कानपुर की फेमस डिश धनिया आलू। ये कानपुर में बहुत पसंद की जाती है। कोई भी प्रोग्राम हो उसमें धनिया आलू जरूर बनाई जाती है। तो चलिए आज हम एंजॉय करते हैं इस धनिया आलू के साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। धनिया आलू बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए। ये हमने आधा किलो आलू ले लिया है। आलू हमने छोटी वाली लिया है, इसको उबाल के और छील लिया है। इसको बहुत ज्यादा नहीं उबालना है कि फट जाए। इस तरह से उबालिए कि पक भी जाए और ऊपर से फटे भी नहीं। अब अगर आपके पास ये वाला आलू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल आलू लीजिए और उसको बॉयल कर लीजिए और इतने बड़े बड़े टुकड़े भाग के आप काट के रख लीजिए। और ये हमने देखिए खट्टी पालक लिया है। आज हम ये खट्टी पालक से बनाएंगे धनिया आलू। ये बाजार में मिल जाता है। ये देखिए इस तरह से जैसे नॉर्मल अपना पालक होता है उसी तरह से ये भी होता है। तो ये सिर्फ धनिया आलू और चटनी बनाने के काम में आता है। और ये हमने धनिया लिया है, ये 100 ग्राम करीब धनिया है और 200 ग्राम खट्टी पालक है। और ये सादा नमक है, ये काला नमक, ये जीरा है और ये हमने मिर्च लिया है। मिर्च आपको अपने हिसाब से ज्यादा कड़वा रखना है कि कम कड़वा रखना है उस हिसाब से लेना है। और ये हमने एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है। और ये हमने नींबू, एक धनिया आलू में नींबू अच्छे से पड़ता है क्योंकि अगर हम खट्टी पालक नहीं डालेंगे तो नींबू कम से कम 3 या 4 पड़ेगा। और अगर हम खट्टी पालक डालते हैं तो नींबू हमें कम डालना है। और ये भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको खट्टी पालक नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धनिया थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं धनिया आलू। ये कानपुर का बहुत ही फेमस चीज है। ये कोई भी शादी ब्याह हो कानपुर में और धनिया आलू ना बने ऐसा हो नहीं सकता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलें हम लोग बनाते हैं धनिया आलू। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसी में ये धनिया डाल देंगे और ये हमने जो खट्टी पालक लिया है इसको भी इसी में डाल देंगे। अब इसी में जीरा डाल देंगे ये और थोड़ा थोड़ा नमक डाल देंगे। नमक तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, एक साथ नहीं डालेंगे। अब इसी में हम ये सादा नमक भी डाल देंगे और ये जो हमने मिर्च रखा था इसको भी डाल देंगे और ये अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। अब इसको हम अच्छे से सब मिला के पीस लेंगे। ये देखिए धनिया हमारी पीस गई। अब इसी में हम ये जो आलू बॉल के रखा हुआ है इसमें हम 3-4 आलू इसमें डाल देंगे और इसको फिर एक बार पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने आलू भी डाल के इसमें पीस लिया। आलू हम इसमें इसलिए डालते हैं कि ये जो हमारा पेस्ट है ये चिकना हो जाता है अच्छे से और इसका जो कलर है वो हरा बना रहता है, इसीलिए हम इसमें 2-3 आलू डाल देते हैं। और अब हम इसको मिलाते हैं। ये देखिए हम एक बाउल ले लेंगे और ये जो हमने आलू उबाल के रखा था इसको हम इसमें डाल देंगे और ये जो हमने पेस्ट पीस के रखा था अब इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे और एक चम्मच से अच्छे से मिला देंगे। आलू डालने से ये होता है कि ये आलू के ऊपर बहुत अच्छे से चिपक जाता है, नहीं तो क्या होता है ये बड़े बड़े आलू दिखाई पड़ते हैं सफेद सफेद और चटनी जो है वो उसके ऊपर से हट जाती है, इसलिए हम आलू डालते हैं। और इसका कलर भी बहुत अच्छा बनता है, एकदम ग्रीन कलर रहता है ये। ये देखिए बहुत फटाफट बन गया, ये मेरी धनिया आलू बन के तैयार हो गई है। ये देखिए ये अच्छे से मिल गया है। अब हमने जो ये नींबू लिया था इसको हम काट के और इसमें डाल देंगे, इसका बीजा निकाल देंगे इस तरह से, इसमें हम इसको डाल देंगे। ये देखिए नींबू डाल के हमने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब मेरी धनिया आलू एकदम तैयार हो गई है, आप लोग खाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए मेरी धनिया आलू तैयार है।
अब आप लोग भी अपने मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाइए और खिलाइए, बहुत अच्छा होता है ये। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।